subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Welcome to Community Debate. I'm your host Halima Sadia. इस वक्त सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है. गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है अपनी फुल पीक के साथ, और उसके साथ साथ अभी अभी रमज़ान के रोज़े ख़त्म हुए हैं और पूरी मुस्लिम उम्मत ने ईद उल फितर सेलिब्रेट किया है. इसके साथ साथ टोरंटो के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है COVID-19 की वजह से उन बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो पर्सनली काम कर रहे थे. बहुत सी ख़वातीन हमारी कम्युनिटी में बहुत ही दबंग तरीके से खूबसूरत काम कर रही हैं. उन्हीं में एक हमारी बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत जो कि सिम्फनी हॉल को मैनेज कर रही थी, और उनका बिज़नेस है इस कम्युनिटी हॉल का जिसके अंदर कम्युनिटी की बहुत ही रंगारंग तकरीबात थी, समीना वकील साहिबा आज हमारे साथ लाइन के ऊपर मौजूद हैं. वेलकम समीना. वेलकम डियर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. समीना, आपने रोज़े सेलिब्रेट किए, पहली बार ऐसा हुआ कि आप घर में थी. एक बिजनेस लेडी हो के कम्युनिटी की इतनी खिदमत करना और एक तरफ बिल्कुल घर में, तो कैसा महसूस हुआ? टेक्निकली मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई, बिकॉज कभी आज तक जिंदगी में इस तरीके से मैंने रमजान नहीं गुजारी है. आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स, और 40 इयर्स में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम लोग जो है घर पे बैठ के रोजे रखे हैं, घर पे बैठ के इफ्तारी की है, बच्चों के साथ इफ्तारी की. अदरवाइज हमेशा इधर भाग उधर भाग, जल्दी भागो जल्दी करो नमाज पढ़ो, ये था. इस दफा बहुत सुकून से, एक तरीके से कहे सुकून से रमजान गुजरी है. तो आपने रमजान पूरा सेलिब्रेट किया घर में बैठ के, बजाय इसके के क्योंकि काम बंद है तो आपने उसका आखिरी अशरा जो है उसके अंदर एक सॉलिट्यूड के अंदर इबादत की, तो आप कैसा महसूस करती हैं कि इसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर स्पिरिचुअली और आपकी तमाम हालात के अंदर काम डाउन होने के लिए? देखो, इतिकाफ में मैं बैठी, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं बैठ सकी, क्योंकि इतिकाफ में बैठना भी उसी की मर्ज़ी से होता है, और मेरे ख़्याल से मेरे नसीब में था तो मैं बैठ गई, अदरवाइज़ तो हमें इतनी मौका ही नहीं मिलता. और इतिकाफ में बैठने का एक्सपीरियंस ये था, टू बी वेरी फ्रेंक, इट वाज वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल दिमाग सुकून से था. ये नहीं था कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, वो आ रहा है ये आ रहा है, तो सिर्फ अल्लाह था और मैं थी. तो बाकी में बहुत अच्छा लगा, और बाकी याद आ गया कि हम मुसलमान हैं. समीना, आप बहुत अरसे से सिम्फनी हॉल की मैनेजमेंट कर रही हैं, और उसके अंदर हमेशा ख़ास तौर पे रोज़ों के दौरान ईद मेले बहुत होते हैं, और उसके अलावा कम्युनिटी की बहुत सी तकरीबात, बहुत से फैशन शोज, और ईद इटसेल्फ सेलिब्रेट करने के लिए हॉल की बुकिंग्स, ये सब काम बहुत होता रहा. तो COVID-19 की वजह से सारे बिजनेसेस बंद हैं, आपके बिज़नेस पे ख़ास तौर पे इसका क्या इम्पैक्ट है? आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिटी हॉल्स हैं उनके मालिकान को कैसी परेशानी है? मेरे ख्याल से ट्रैवल, जिस तरीके से ट्रैवल टूर और होटल इंडस्ट्री तबाह हुई है, इसी तरीके से बैंक्वेट हॉल भी हुए हैं. हमारे साथ तो यह है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बेसिकली पब्लिक ही इन्वॉल्व है, चाहे कोई इवेंट 50-100 से कम का होता नहीं है. एंड हम लोगों को तो ये हो गया कि हम टेकआउट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बैंक्वेट हॉल का ऐसा कोई रेस्टोरेंट टाइप सिस्टम भी नहीं है. तो हम लोग टोटली ऑन द फ्लोर आ गए. इतनी 4-5 साल से मेहनत करके एक आदमी रेपुटेशन बनाता है, एक कम्युनिटी में नाम बनाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हॉल में बॉनी क्रॉम्बी जैसी और इकरा जैसी काफ़ी लेडीज़ आ चुकी हैं लेडीज़ के इवेंट्स में, और दे वर प्राउड कि भाई एक औरत चला रही है बैंक्वेट हॉल. लेकिन अब कुदरत को यही मंजूर था, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वी आर रियली वेरी वेरी अफेक्टेड फ्रॉम इट, बहुत हमें नुकसान हुआ है, बहुत. तो क्या आप ये हॉल ओन करती थी या रेंटल था, या कैसे आपके बिजनेस की क्या डील थी?
हलीमा, ये हॉल मेरा जो है स्टार्ट से ये तो खैर रेंट पे ही है और रेंटल हमारा अच्छा खासा है और मेन हमारा मेन एक्सपेंस जो है वो रेंट ही होता है। अराउंड 13-14,000 रेंट अ मंथ है और इसके बाद दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी हैं, तो ऑलरेडी इट्स अ बिग एक्सपेंस। और बस अब देखें, अल्लाह मालिक है, गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा एहसान है कि वो हमें हेल्प कर रही है, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड्स आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो गवर्नमेंट कहती है कि वो बहुत सहूलत दे रही है उन तमाम लोगों को जो खास तौर पे छोटे छोटे बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वो आपके लिए हेल्पफुल है किसी तरह या उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा? देखो, फ़ायदे और नुकसान, फ़ायदा तो ये कि हम इस वक्त ये मैं कहूँगी कि वी आर ब्लेस्ड कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, अदरवाइज ये लैंडलॉर्ड्स ने तो हमें निकाल देना था, राइट? उन्होंने तो हमें रखना ही नहीं है, तो उनको जबकि उन्हें पता है कि उन्हें ये कोई रेंट कहीं से नहीं मिलेगा और हम दें या ना दें, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। हम गैस के बिल दे रहे हैं, हम यूटिलिटीज़ दे रहे हैं, हम हर चीज़ दे रहे हैं सिवाय हमारे, क्योंकि हम रेंट इतना ज़्यादा हो गया हम नहीं दे सकते। उस पर जो गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है, तो मैनी बिजनेसेस हैव बीन बेनिफिटेड, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हम अगर 15,000 का किराया अगर हमें गवर्नमेंट 40,000 दे रही है, तो वी आर ओनली अफेक्टेड फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, राइट? हमारा महीने का ही खर्चा 20-22,000 है, तो 40,000 से हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जब उन्होंने सब्सिडीज डाली है रेंट के लिए कि आप 25% दें, तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट, उनको भी हमारे साथ वो भी अफेक्टेड है ना, तो हमारे क्लाइंट्स कभी उनको भी नहीं पता कि उन्हें इवेंट करना है नहीं करना है, शादी करनी है नहीं करनी है। अब जैसे ईद के मेरे इतने मेले थे, प्री ईद मेला, आफ्टर ईद मेला, वो सब भी बेचारे, उन्होंने भी तो डिपॉजिट दिया हुआ था ना, उनका भी अब हमें हर चीज़ नेक्स्ट ईयर पे करना है। अब आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, अल्लाह करे उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए, बट इट वॉन्ट टेक अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 4 महीने नहीं हम सर्वाइव कर सकेंगे। तो आप क्या समझती हैं कि ये बिज़नेस वापस अपनी रेगुलर शेप में आने के कोई चांसेस हैं या नहीं, क्योंकि कोविड के बाद की दुनिया बहुत फ़र्क है, अब हम लाइफ के अंदर एक्सेप्शनल चेंजेस की तरफ जा रहे हैं जिसमें लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल के रख दिया है, और अभी बहुत देर तक कहते हैं कि ये ऐसा ही होगा, और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी स्मॉल बिजनेसेस के साथ बहुत रिलेटेड होती है, आप कैसे समझती हैं अपने बिज़नेस को इस हवाले से? अभी हम पहुंच गए हैं मई में, राइट? यूजुअली बैंक्वेट हॉल का जो सीज़न होता है वो मार्च टू अक्टूबर सितंबर तक होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर नवंबर दिसंबर होता है, तो जो मेन सीज़न है जून जुलाई अगस्त, दैट इज़ टोटली गॉन। अब जून जुलाई अगस्त हम रह रहे हैं कैनेडा में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में तो वैसे ही इतनी ठंड होती है, बर्फ़ होती है, और ये कोविड जो है वो है भी ठंड का, राइट? अगर ठंड ज़्यादा होगी तो अगेन इट कैन बी अफेक्टेड, तो इसलिए मिनिमम 6-7 मंथ तो मैं कहूँगी कि हम लोग को, वही मैं भी जो पहले कह रही थी कि जो गवर्नमेंट हमें दे रही है 40,000, दैट विल सर्वाइव अस फॉर फ्यू मंथ्स, बट दिस वोंट, इट विल लास्ट फॉर 6-7 मंथ्स, इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि लोग डर गए हैं, लोग आने डर गए हैं, लोग जो आ रहे हैं मेरे पास जिनको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बुकिंग कर रही हूँ, वो भी अब डर डर के करवा रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे बुकिंग ली भी है, वो कहते नहीं हम इवेंट करेंगे, हमने कितनों को पैसे भी वापस कर दिए हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि भाई वो कहते हैं कि हमारी तो बर्थडे तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे हॉल में ज़्यादातर बर्थडेज और वेडिंग्स और फैशन शोज ऐसे इवेंट्स होते थे जो इस दफ़ा नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर हो ना हो, राइट? सो वो इवेंट्स जो हैं उसमें अब लोगों की ये सोच है कि अगले साल उन्होंने क्या करना है, दे विल सेट, दे विल डू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। शादियों वाला यह है कि शादियां तो चलो लोग आजकल वैसे भी कारपोरेट वाली शादियां भी हो रही हैं आजकल, तो वो जो चीज़ें हैं वो होने लग गई हैं, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस था दैट्स टोटली ऑन द ग्राउंड। तो समीना, आप क्या समझती हैं कि इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी के चांसेस हैं या इसकी कोई नई शक्ल या कोई ऐसी चीज़ आप देखती हो जिससे कि इसकी कंपनसेशन फ्यूचर में पॉसिबल हो, कि छोटे बिजनेसेस इसी टाइप के जो हैं वो किसी और शक्ल में सस्टेन कर सकें? अली मैम, अभी से कि मुझे वाकई में कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन दुनिया है, और जैसे हम सार्स वाले उससे रह गए थे 100 साल पहले जो हमारे पास ही हुई, वो आया था कोविड जैसे वायरस, अब
दुनिया फिर भी चली राइट, फिर दोबारा हम खड़े हुए, फिर दोबारा हम लोग चले गए। अब जनरेशन का नहीं पता कि हमारी जनरेशन में ठीक होगा, अगले जनरेशन में ठीक होगा राइट। तो 100 साल पहले भी ये हुआ था, बहुत लोग मरे थे। हम लोग का ईमान है कि भाई हम मेहनत करते रहेंगे। बैंक्वेट हॉल दो टाइम लेगा, बैंक्वेट हॉल टाइम लेगा, लेकिन हम लोग को मेंटली और अब आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है राइट। पहले था कि चलो 2 महीने 3 महीने 4, अब तो रेंट का भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, लैंडलॉर्ड ऊपर से बहुत स्ट्रेस दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे लैंडलॉर्ड अच्छे नहीं है एंड उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया हुआ है, और बहुत से लैंडलॉर्ड कॉपरेट भी कर रहे हैं लोगों के साथ, जबकि गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि भाई आप लोग करें कॉपरेट, बट दे आर मैनिपुलेटिंग राइट। हर एक अपने इस कोविड से हर कोई फायदा उठा रहा है, मीन्स दे आर मेनी अदर वेज पीपल आर टेकिंग बेनिफिट राइट। अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन कुछ लोग इस बुराई से भी फायदा उठा लेते हैं। तो आप क्या देखती हैं कि कम्युनिटी में जनरली क्या चेंज है कोविड की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ में लेडीज़ के अंदर आप किस किस्म का चेंज देखती हैं जो कि उनकी रूटीन लाइफ से डिफरेंट होगा और जिसको उन्होंने अब ग्रेजुअली अडॉप्ट करना शुरू किया है? तो बाहर जाने के बजाय फ़ोन पर ही कॉन्टैक्ट होने लग गया है पूरी फैमिलीज़ के साथ। हर वक्त घर में लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल ऑन द फ़ोन। ये नहीं कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है या फैमिलीज़ को या फ्रेंड्स को छोड़ा हुआ है, दे ऑल आर ऑन फ़ोन और दे आर ऑनलाइन सिस्टम। ये सारे जो नए नए जो हमें नहीं आती थी, अब सब हम भी सीख रहे हैं कि स्काइप पे कैसे करना है, तो व्हाट्सएप पे कैसे करना है। तो वी टेक्निकली वी आर ऑल आर लर्निंग टेक्नोलॉजी, और आगे का दौर जो है वो 80% टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा। सबको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, और मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन नाउ। अब जैसे हमारा भी ईद का भी हुआ, सब लोग ही ऑफिस में फैमिली में फ़ोन पे ही कॉन्फ्रेंस ही, जैसे बड़ी बड़ी ऑफिस मीटिंग्स कर, तो इट्स बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी का, मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी एरा इज़ गोइंग टू स्टार्ट। यही न्यू सोशल नॉर्म इज़ थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपने ईद, पहली ईद थी ये कोविड की पहली ईद थी जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने ईद मनाई, आपने ईद कैसे मनाई? हमने भी ऐसे ही मनाई सब भाई बहनों ने फोन पे ही बात की, फिर अड़ोस पड़ोस के साथ हम लोगों ने दूर से हाय हेलो कर ली, मतलब अपने इसमें गैराजेस के पास खड़े होके या किसी के घर जाना था कुछ गिफ्ट के। इस दफा हलीमा गिफ्ट का सिस्टम ज्यादा हुआ है। गिफ्ट का सिस्टम ये कि लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट बना के दिए हैं। सारी बातें इफ्तार तो नहीं कर सकते थे, तो एक दूसरे के घर पे गिफ्ट बना के भेजे हैं, कोई दरवाजे पे छोड़ दिया, कोई कुछ कर दिया, बट वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल कि भाई हम हैं, अभी भी जिंदा हैं, हम लोग बाहर हैं, हम लोग होश में हैं। तो मीन्स एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, हर कोई नया नया आइडिया लेकर आ जाता है, चलो ये नहीं तो ये कर लें, वो नहीं तो वो कर लें। ईद पे भी ऐसे ही हुआ है, काफ़ी लोग अपने अड़ोस पड़ोस से भी दूर से हाथ मिला के या गाड़ी पे ड्राइववे में आके हाथ मिला के चले गए हैं, एंड इसी तरीके से घरों में नमाजें पढ़ी हैं, ये सब कुछ। इट्स टोटली डिफरेंट आया, लेकिन मजा आया, इट चेंज वाज नाइस। कभी कभी डिफरेंट चेंज है ना। आपको लगता है कि इससे स्ट्रेस कुछ कम हुआ है लोगों में या स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा है? आप क्या समझती हैं, इस पूरी सूरत हाल में लोग ज्यादा परेशान हैं इस पूरी सिचुएशन में, या लोग एक्साइटेड हैं नए एक्सप्लोरेशन, लाइफ को नए तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए? बहुत होगा, लोग अपने स्ट्रेस को इस तरीके से दूर कर रहे हैं, दैट आई विल से, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत है। लोगों के घरों में पैसे नहीं हैं, जॉब्स हैं, हर एक को तो बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन लोग अब इस वो उम्मीद में है कि कल कुछ हो, एवरी डे दे आर वेटिंग फॉर सम न्यूज़ राइट। तो लोग जो है वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बेसिकली नई जनरेशन तो ऑलरेडी इसमें थी। बड़ी जो जनरेशन है, हम लोग की जो जनरेशन है, हम लोग सब जो है ना उसको करना तो है, वही मैं कह रही हूँ कि वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन नई जनरेशन तो ऑलरेडी इसी में इन्वॉल्व थी पहले से। लेकिन स्ट्रेस 101% हलीमा है, बहुत लोगों में बहुत स्ट्रेस है, लेकिन अब कोई क्या करेगा, एवरीबॉडी हैज एन ऑप्शन, बिकॉज यू मी एवरी सेकंड पर्सन इज इन द सेम बोट। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि मेरा बिजनेस है, उसकी जॉब है, उसको स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस हर एक को हो गया है, हर एक को अनसर्टेनिटी है, स्कूल्स का माओ को नहीं पता कब खुलेगी, बच्चे कब जाएंगे, तो हर घर में हर एक डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस में। बट अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग थोड़ा बहुत इसको रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप से, वी हैव अडॉप्टेड सम स्ट्रेटजीज टू बी हैप्पी। फैमिलीज इकट्ठी हैं, वो बच्चे जो स्पेशली
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रेजुएट हैं, वो बैठे हुए थे जॉब्स के लिए थे, अब वो घर हैं, घर में पेरेंट्स के साथ हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? खासतौर पर आपकी फैमिली जो है, आप लोग भी इकट्ठे रहते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि फैमिली से कुर्बत हुई है इससे, या फैमिली के दरमियान ज़्यादा फासले बढ़े हैं, इश्यूज़ ज़्यादा रेज हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बच्चों के इश्यूज़ पता चले। माएँ जो हैं बहुत बिजी थी अपने आप में, पेरेंट फादर्स अपने आप में बिजी थे, माओ को तो ये जो जॉब करती हैं, माएँ अपनी जॉब्स में थी, लेकिन जब वो मुझे ये है कि वी हैव बिकम मोर, हमें एक दूसरे करीब ज़्यादा थे, मीन्स हमें पता चल गया अच्छा इसका ये भी मसला है, इसको ये भी प्रॉब्लम है, इसको इसकी ये पसंद है, अच्छा हमें कभी ये पता नहीं था कि बच्चे को ये पसंद है, तो टेक्निकली हम रोज की रूटीन में होते, खाए पिए चले गए आ गए, अब सारे वक्त साथ बैठे हैं तो हमें लगता है कि वाकई में दैट वाज नीडेड। अच्छा, अब आप इस तरफ आइए कि जो बच्चे हैं खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर इस सिलसिले में क्या एंजाइटी है, आप क्या महसूस करती हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और वो क्या आगे से महसूस करते हैं फ्यूचर के बारे में, उनकी क्या राय है? अलीमा, मेरे तो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन छोटे मेरी पोती है, लेकिन मैंने देखा यंग जनरेशन इज, मैं यही देखती हूँ, मैं भी कभी कभी बाहर निकलती हूँ देखती हूँ, दे आर ऑल रिलैक्स, वो अपने में इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर नॉट सो मच बर्डन, उनको पता है। टेक्निकली टू बी वेरी फ्रेंक, एक बात में सब में यही चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम कैनेडा में हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ हेल्प अस सो मच, चाहे किसी भी अंदाज में, स्टूडेंट्स को, बड़ों को, बच्चों को, उसने हमें एक कर दिया है। बहुत से घर हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट दी जा रही है, गवर्नमेंट पेरेंट्स को भी दे रही है, तो मैं ये सबसे 80-90% हाथ इसका गवर्नमेंट में जाता है, बिकॉज मैं जहाँ तक समझती हूँ, जहाँ तक मैं सबको देख रही हूँ, एवरीबडी इज हैप्पी, इट्स नॉट दैट दे आर स्ट्रेसफुल, दे आर हैप्पी, मे बी स्ट्रेस विल कम लेटर ऑन व्हेन एवरीथिंग विल बी ओपन, क्योंकि जब लोग वो जॉब खुलेंगे, जब जॉब्स नहीं होंगे, जब गवर्नमेंट अपना हाथ रोकेगी और जब वो पैसे नहीं देगी जो 2000 लोगों को मिल रहे हैं या बच्चों के 600 मिल रहे हैं, तब जाके मेन लेवल का स्ट्रेस है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से सबको कंट्रोल में किया, जहाँ बिजनेसमैन हुए, हाउस वाइफ हुई, बच्चे हुए, कॉलेजेस का, आज भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज का भी उन्होंने अनाउंस किया है, कराने स्टूडेंट्स का अनाउंस किया है, तो दे आर हेल्पिंग वेरी मच एंड वी आर लकी दैट वी हैव नो स्ट्रेस लाइक दैट। हमें कोई ये टेंशन नहीं है कि हमें कल ही कल कोई घर से निकाल देगा या हमें कोई कहीं से निकाल देगा। जैसे मैं आपको अभी ना बिजनेस का ही बता रही थी, जो मेरे रेंट का जो मेरा इशू कर रहा था, तो मुझे बात हुई उनका, आपको कोई निकाल नहीं सकता, सो डोंट गेट सो मच स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज मैं थोड़ी स्ट्रेस में आ गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी फोर्ड ने आपके लिए अनाउंस किया है, आप जैसे बिजनेस मैन के लिए, कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू। तो बात की बात है कि जब सब स्टार्ट होगा फिर थोड़ा डर है कि क्या होगा, लेकिन अभी तो क्योंकि हमको इतना अच्छा कुशन मिला है, हम इतनी अच्छी कंट्री में हैं, और आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि हम कनाडा में हैं और हमारी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल से सब सुकून में बैठे हुए हैं अभी। समीना, आज आपने हमारे साथ प्रोग्राम में अपने ख्यालात को शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहती हूँ हमारे थ्रू, तो प्लीज़ डू सो। बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पे भरोसा रखें, बी पेशेंस, अगर ख़राब दिन आए तो भी पेशेंस, अच्छे हैं तो भी पेशेंस, और फिर दोबारा इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वही पहले जैसी ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम एंड वी हैव टू हैव पेशेंस। Thank you very much for being with us today. Viewers, it's a new normal. New normal is technological normal. और इसके अंदर बहुत ज़्यादा changes हैं, लोग परेशान भी हैं, फिक्रमंद भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ adjustment भी है. Adjustment हमेशा time के flow के साथ होती है, चीज़ें ज़्यादा वाज़े होती हैं जब वो अपने flow के साथ चलती हैं। तो इस वक्त COVID की situation के अंदर हर स्मॉल बिजनेसमैन परेशान है, लेकिन उसकी क्या सूरत निकलती है, उसका क्या अल्टरनेट बनता है, ज़िंदगी किस फ्लो पे चलेगी, ये वक्त ही साबित करेगा। वक्त के साथ साथ हम सबको सब्र और तवज्जो की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को चेंज करने की और रिविज़िट करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी के डिबेट में हम कम्युनिटी के मसाइल लेकर आपके पास आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया। We'll be right back.
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.